नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बासौदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। संविधान बचाने गांधी प्रतिमा के सामने दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना। जी हां, कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने संविधान बचाने के लिए धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता द्वारा कांग्रेस को जनादेश दिया गया था, लेकिन चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से भाजपा लगातार षड्यंत्र कर रही है, जिससे संविधान खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस नेता ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में दिया जाने वाले धरने में प्रकाश मिश्रा ने बताया कि भाजपा ने कांग्रेस के 6 मंत्रियों सहित 22 विधायकों को बंदी बना रखा है। उनसे दबाव में त्याग पत्र दिलवाए जा रहे हैं। जब विधायकों से मिलने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुँचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसके कारण आज पूरी कांग्रेस पार्टी भाजपा की सद्बुद्धि के लिए गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे हैं। धरना में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। केंद्र में सरकार है, उसके द्वारा लोकतंत्र की हत्या का जो षड्यंत्र मध्य प्रदेश के अंदर रचा गया है, हमारे 22 कर्मठ विधायकों का अपहरण कर उनको बंदी बनाया गया है। हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, उनको जबरिया गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में हम सभी कांग्रेस जन आज भारतीय जनता पार्टी की सद्बुद्धि के लिए और हमसे जो पिछड़े साथी हैं, जो चले गए हैं, उनकी वापसी के लिए और लोक मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए हम सभी कांग्रेस जन यहाँ गांधी जी की शरण में धरने पर बैठे।